आखिरकार चीन को हुआ भारत की ताकत का एहसास। चीनी सेना के टॉप अधिकारियों को अब लगा भारत से डर। भारत से जंग की बात पर ही चीनी हुकूमत में छूटी कंपकंपी। ताइवान संग भारत की कूटनीति से डरी पड़ी है चीन की सेना। ताइवान चीन का युद्ध हुआ तो भारत बन जाएगा रातों रात मालामाल। दोस्तों, पिछले 18 महीनों से एलएसी पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है। अब ये तनाव जंग की तरफ जा रहा है। चीन से 13 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकल पाया है। भारत आखिरी विकल्प पर विचार कर रहा है, यानी भारतीय सेना, वायुसेना, इंडियन नेवी और भारत के हजारों कमांडोज चीन पर टूट पड़ने को तैयार हैं। उधर चीन को भी अब ये लग रहा है कि एलएसी पर ऐसे कई कारण पैदा हो गए हैं जिनसे युद्ध का माहौल बन सकता है। हाल ही में चीन ने भारतीय इलाके उत्तराखंड में बाराहोती और अरुणाचल में तवांग क्षेत्र में दो बार घुसपैठ की है, जिसके बाद से ही भारतीय सेना काफी सख्त हो गई है। चीन को भारत से जवाबी कार्रवाई का डर लगने लग गया है। ऊपर से 13वें राउंड की बातचीत भी फेल हो गई है, जिसके बाद अब चीन में जिनपिंग सरकार के बीच इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं, जिसमें भारत की तैयारियों, सैन्य हथियारों और भारत और चीन के बीच ट्रेड को लेकर बातें की जा रही हैं। वहीं चीन ये भी देख रहा है कि इस समय अगर भारत के साथ जंग होती है तो चीन का कितना नुकसान होता है और भारत का कितना। वहीं चीन ने ताइवान को लेकर भी आकलन किया है, और दोस्तों, जो रिजल्ट निकल कर आया है उसने चीनी हुकूमत को हिला दिया है। अब चीन के इस डर को पूरी दुनिया जान गई है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स पर इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान है। और चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत और ताइवान से जंग के बाद चीन के नुकसान बताकर अपनी ही भद बिटवा ली है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि युद्ध में 1962 का हाल कर देने की धमकी देने वाला चीन अब कैसे इतना डर रहा है, इस बात को लेकर चीन के मन में डर बैठ गया है, और कैसे चीन और ताइवान के बीच जंग में भारत को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। भारत से जंग में चीन का होगा जबरदस्त नुकसान। चीन ने आधिकारिक रूप से भारत की ताकत को माना। विस्तारवादी चीन अवैध तरीके से पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने में विश्वास रखता है। चीन की सीमा से जितने भी देश लगते हैं, भारत को छोड़कर चीन कहीं भी निर्माण कार्य नहीं करता है। लेकिन चीन जानता है कि अब भारत को हराना इतना आसान भी नहीं है। चीन के ये मंसूबे भारतीय सेना के आगे फीके पड़ जाते हैं, इसलिए वो सीमावर्ती इलाकों में गांव और सैन्य शहर जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण करता रहता है। अब चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर नजरें गड़ाए बैठा है। पूर्वी लद्दाख में पहले ही दोनों देशों की सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। 13वें दौर की बातचीत के बाद भी चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। यानी चीन जंग तो चाहता है, लेकिन चीन ने अब सरकारी तौर पर ये मान लिया है कि इस समय भारत से उलझना चीन की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इस समय भारत से उलझना चीन की सबसे बड़ी भूल होगी। उदाहरण के लिए, ताजा विवाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है, जबकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन में अरुणाचल प्रदेश को जिंगनान कहा जाता है। वेंकैया नायडू के अरुणाचल दौरे पर चीन ने आपत्ति जताई है, और चीनी विदेश मंत्री झाओ लिजियान के हवाले से चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा का कड़ा विरोध करता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भौंकने वाली चीनी सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने एक ही दिन अपनी भद पिटवा ली है। अब इसने खुद स्वीकार कर लिया है कि इस समय भारत से टकराना चीन के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा का कड़ा विरोध करता है। लेकिन ये ट्वीट ही चीन के गले की फांस बन गया है। चीन के लोगों ने इस ट्वीट में बता दिया कि भारत से पंगा लेना चीन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ताकत, तकनीक और युद्ध कौशल में भारत काफी आगे निकल चुका है। इतना ही नहीं, सुपर पावर इंटरप्टेड द चाइनीज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किताब के लेखक माइकल शुमान ने कहा कि चीन का भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करना उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता साबित होगी, क्योंकि भारत इस समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफी देशों तक भारत की पकड़ है। भारत की विदेश नीति शानदार है,
विदेशी मामलों के जानकार जेम्स कैवेट्री ने माइकल की बात पर सहमति जाहिर करते हुए कहा कि मैं लेखक माइकल शुमान की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर चीन की हरकतें गैर जरूरी थीं और संबंध पहले जैसे हो सकते थे, कम से कम मोदी के पहले कार्यकाल में। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल के सालों में कई गलत रणनीतिक अनुमान लगाए हैं, लेकिन ये देखना मुश्किल है कि चीन क्या हासिल करना चाहता है। किसी भी पड़ोसी देश से चीन के संबंध मधुर नहीं है। एक ओर भारत जैसा मजबूत और ताकतवर देश है तो दूसरी ओर ताइवान भी झुकने या पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ताइवान की ओर अपने फाइटर जेट भेजता है तो ताइवान भी युद्ध के लिए तैयार नजर आता है। वहीं चीनी सेना के टॉप अधिकारी और शी जिनपिंग सरकार के वरिष्ठ नेता भारत और ताइवान से जंग में चीन के नुकसान का आंकलन कर रहे हैं, जिसमें चीन ने ये माना है कि एलएसी में अधिकतर हिस्से में पहाड़ी हिस्सा है और भारत यहाँ पर युद्ध लड़ने में विश्व की सबसे घातक और अनुभवी सेना रखता है, इसलिए यहाँ पर अब यानी 2021 में युद्ध लड़ना ज्यादा खतरे की बात हो सकती है। ताइवान संग भारत की कूटनीति से डरी जिनपिंग की सेना, ताइवान चीन का युद्ध हुआ तो मालामाल होगा भारत। दोस्तों, चीन से अगर युद्ध होता भी है तो भारत की मदद करने के लिए आज दुनिया के कई देश हैं, और चीन के पास एक या दो देश हैं जिनमें उसका चमचा पाकिस्तान और दूसरा उत्तर कोरिया है, और भारत के पास महाशक्ति देशों की लाइन है जिनके घातक हथियार समंदर की लहरों पर तैनात खड़े हैं भारत की तरफ बढ़ने वाले हर खतरे से निपटने के लिए। अब चीन ने भी ये मान लिया है कि भारत की विदेश नीति बेहद पावरफुल है, तभी तो चीन ने जब ताइवान पर अटैक करने के लिए 3 दिन में ही 150 से भी अधिक बार अपने फाइटर जेट ताइवान की सीमा में भिजवाए, तब चीन और ताइवान के बीच भयंकर तनाव पैदा हो गया। तब भारत ने रातों रात ताइवान से सीक्रेट डील कर डाली। इनमें जो भी भारत ने सीक्रेटली सैन्य डील की है उनकी जानकारी अभी भी ओपन नहीं हुई है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी, ट्रेड तकनीक और रणनीतिक संबंधों पर भारत ने जो तैयारी ताइवान के साथ की है उसने चीन को हिला दिया है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान को कब्जाने के लिए हमला किया तो ऑटोमेटिकली भारत को फायदा होना शुरू हो जाएगा। दरअसल डील ही कुछ ऐसी हुई है, भारत और ताइवान के बीच दरअसल भारत अब चीन की वन पॉलिसी से हटने पर विचार कर रहा है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो फिर भारत वन चाइना पॉलिसी से अलग होने का ऐलान कर देगा, ये मोदी सरकार ने संकेत दे दिया है। भारत के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ताइवान के साथ मजबूत संबंध बनाकर चीन को कड़ा संदेश दे सकता है। वैसे भी भारत ताइवान की ज्यादा फिक्र करता है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारत के पत्रकारों से ताइवान के राष्ट्र दिवस के मौके पर रिपोर्टिंग करते हुए वन चाइना पॉलिसी नीति का उल्लंघन न करने की अपील की थी। इस पर बहुत बवाल हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मीडिया आजाद है और हर मसले पर अपने तरह से रिपोर्ट करने को स्वतंत्र है। इसके बाद बीजेपी सहित कई पार्टियों के लोगों और आम लोगों ने ताइवान के राष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बाद में ताइवान सरकार ने भारत के लोगों का शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया कहा था। वहीं इसके अलावा भारत और ताइवान ने अपनी राजधानी में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ऑफिस बनाए हुए हैं। मई 2020 में साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी, जो अब विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ऑनलाइन भाग लिया था। भारत के इस कदम से भी चीन काफी बौखलाया था। वहीं भारत और ताइवान के बीच सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर अहम समझौता हुआ है। जानकारी के मुताबिक ताइवान भारत में $7.5 बिलियन का सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर बातचीत कर रहा है। इन चिप्स का इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और मेडिकल इक्विपमेंट सहित कई जगहों पर किया जाता है। वहीं भारत अब ताइवान के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर भी विचार कर रहा है। देखा जाए तो ताइवान और भारत के बीच औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं है। 1990 के दशक में दोनों पक्षों ने अनौपचारिक तौर पर संबंध बनाए थे, लेकिन अब मोदी सरकार आधिकारिक रूप से अहम संबंध स्थापित करने वाली है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देना भारत के लिए मौजूदा वक्त में संभव नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी संभव है। जिस तरह से चीन ताइवान पर दबाव बना रहा है, ऐसे में भारत इस मौके को भुनाकर ताइवान के साथ बेहतर संबंध बना सकता है। यानी ये क्लियर है कि चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो ताइवान कई सारी ट्रेड डील भारत के साथ कर सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिलेगा और चीन के खिलाफ एक और देश का साथ मिलेगा। दोस्तों, भारत की इस रणनीति से आप कितना संतुष्ट हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।